हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब भारतीय यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग रिजल्ट वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर चले जाना है स्टूडेंट लॉग इन पर, सिंपली आपको लास्ट वाले स्टूडेंट लॉग इन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप सिंपल लॉग इन होते थे वैसे ही लॉग इन हो जाना है, ठीक है। बाई चांस हो सकता है लॉगिन में दिक्कत आ रही हो तो, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपके सामने ये आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है, और पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल देना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक्सेस के अंदर पहले जिसके अंदर सेक्शन के अंदर एग्जाम होता था उसी के अंदर रिजल्ट आपको पहले शो होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी ने, यानी कि आपके जो रिजल्ट है या DMC है ऑनलाइन ई मार्कशीट, तो वो आपको एक अलग मेन्यू में मिलने वाला है। तो वो जो अलग मेन्यू है वो आपके लिए अलग से बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, DOCS पे जाओगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे ई मार्कशीट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिजिटल मार्कशीट के आप आसपास, यानी कि आपका डिजिटल मार्कशीट में रिजल्ट चेक कर लेना है। तो यहाँ पर रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, कौन से सेशन का एग्ज़ाम हुआ था वो सिलेक्ट कर लेना है। तो और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डाल देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दोगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अच्छे से कैप्चा कोड को चेक कर लेना है और गेट मार्क्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।